मुख्य पथ पर दरियापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर पेट्रोल पंप के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार चाचा भतीजा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक चाचा भतीजा डेरनी थाना के जामीनपुर गांव निवासी भुवनेश्वर राय का पुत्र अनिल कुमार तथा जोधा राय का पुत्र राजेश्वर राय बताया जाता है। घटना के उपरांत चालक ट्रक छोड़कर भागने में सफल रहा। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच घटना के संबंध में जानकारी ली। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चाचा भतीजा बाइक से रामपुर नेवता करने जा रहे थे कि सामने से तेज और अनियंत्रित गति से आ रही ट्रक चालक द्वारा ठोकर मार दी गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने दरियापुर थाना के समीप सड़क जाम कर सरकारी सहायता राशि की मांग की। सड़क जाम की खबर पर BDO राय चौरसिया विधानसभा प्रत्याशी मुखिया महेश राय द्वारा समझा बुझा कर शांत कराया गया तथा BDO द्वारा मृतक के दोनों परिजनों को मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 राशि चेक प्रदान किया गया तथा सरकारी राशि दिलाने के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए और यातायात बहाल हो सका। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। D11 टीवी के लिए दरियापुर से सोनू कुमार के साथ डेरनी से अमित कुमार की रिपोर्ट। जामीनपुर के दो आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। दरियापुर प्रखंड के अंतर्गत जो पेट्रोल पंप दरियापुर बाजार के आगे पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पर ट्रक पे गिट्टी लदा हुआ ट्रक था और इस बाइक से दो आदमी जा रहे थे नेवता करने के लिए, तो ट्रक वाला ने मार दिया है जिससे रोड पूरा बुरी तरह से जाम था। जाम को हटाने के लिए हम लोगों ने DM से बात किया। DM साहब बोले कि ठीक है, BDO साहब को हम फोन करके बोल देते हैं। BDO साहब भी मदद किए, उसमें चेक कटवा करके देने में समय लगा। तब तक ले हम लोग अपना पास से नगद 40,000 रुपया दे करके प्रोविजन को दे करके हम लोग यहाँ से जाम हटवाने का काम किया। लास्ट को प्रोविजन में भेजने का हम लोग काम किए। करने के बाद प्रक्रिया में जो डाले उसके बाद यहाँ रोड जाम इसलिए हुआ था कि गाड़ी को कोई रोकने वाला भी कोई नहीं था। हम लोग को फ़ोन किया तो हम लोग आए तो अपने से जाम किए मुआवजा के लिए। नेवता में जा रहे थे और दोनों मेरे भाई और चाचा थे और मौके नेवता करने के मौके पर इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया हरिहरपुर के सामने।